सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा से मिलना, उसे धन्यवाद देना। मेरी आई का फोन आया था कि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं, अरे तो तुम जाओ ना उनके पास। हम बहुत आभारी हैं तुम्हारे। काकी आप क्या कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं। मैंने जो कुछ भी किया आप इंसानियत के नाते किया। मंजू को उसकी आई के यहाँ से लेने जा रहा था। अरे क्यों, उसे रहने दो वहाँ दो तीन दिन, रसिका ताई को भी अच्छा लगेगा और मंजू का भी दिल बहल जाएगा। वो आई एक्चुअली मैं मंजू के साथ फिल्म देखने जा रहा था। इसकी बात तो मत आइए, आप जाइए वहीनी के साथ। आज पुन्नी मेरे साथ खाना खा लेगी, है ना पुन्नी? बिल्कुल बेटा। लौटते वक्त अच्छे से होटल में खाना भी खिलाना मेरी बहू को। ठीक है आई, ओके बाय पुन्नी, बाय। Thank you. Thanks a lot. Thank you. Excuse me. तैयार हो गई तू? आई अजी तब तक नाराज है मुझसे। तू चल तो सही, चल। आई पर तू चल तो। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। अजी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब मेरी तरफ क्या देख रहा है? पहल इसने की है ना, अब तू क्यों इतना अकड़ रहा है? चल बात कर उससे। अरे उसने जो हुआ था उसे भूल जाओ, बहन है वो तेरी। भाई बहन के झगड़े की उम्र प्यार से बड़ी नहीं होती है, चल। अजीत मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाई हूँ, रिस्ट वॉच है एकदम लेटेस्ट डिजाइन की, तुम्हें बहुत पसंद है ना, ये ले। लो। गुस्सा छोड़ दे तुम। ओके। आई
करने के लिए भी कोई नहीं। तुम सब कैसे कर सकती हो? मुझे एक बार पार्टी में बुलाया भी नहीं, तो ऐसा झूठ क्यों बोला उसने? Yes, happy. You know, Dave, last month was very bad for me. लेकिन आज की इस बर्थडे पार्टी ने उन सारी बातों को भुला दिया। अर्चना की शादी टूट गई है, अच्छा लग रहा है। वरना अगर मेरी शादी टूटने के बाद उसकी शादी किसी अच्छे घराने में हो जाती, बहुत तकलीफ होती मुझे। और अर्चना की शादी टूटने की खुशी में मुझे केक नहीं खिलाओगे? यार, थैंक यू। विनोद, अच्छा हुआ तुम आ गए। हम तो तुम्हें इनवाइट करने ही वाले थे, लेकिन तो तुम्हें बहुत खुशी है ना मेरी बहन की शादी टूटने से? नहीं विनोद, तुमको कुछ गलत लग रहा है। तो सही क्या? तुम बताओ मुझे। अभी अभी तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी कहा उसका मतलब क्या है तुम मुझे बताओ। मैं तो अब तक ये सोचता रहा कि अर्चना की किससे दुश्मनी हो सकती है। अरे उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि कौन उससे दुश्मनी निभा रहा है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। एक्चुअली आज तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। अजीत, तुम्हारी शादी तुम्हारी अपनी करने की वजह से टूटी है और इल्जाम तो मेरी बहन पर डाल रहे हो। तो आई थी ना मेरी आई से माफी मांगने, और मेरी आई ने बड़प्पन में आपको माफ भी कर दिया था, और उसका बदला आपने ऐसे दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसे साजिश भी कर सकती हैं। अजीत, तुम्हारी भी अपनी एक बहन है, तो तुम किसी और की बहन के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो? सच बोलो, कैसा कुछ तुमने किया है? भी अर्चना से बदला लेना चाहते थे ना? अजीत, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मंजू के भाई हो। मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रखूंगा। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तब से मैं तुम्हें बर्दाश्त करने से मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी इल्जाम मेरे सर पर लगाओ। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हारी बहन से बहुत नफरत करता हूँ। नफरत करता हूँ मैं अर्चना से। उसने मेरी शादी तुड़वाई, मेरा करियर बर्बाद कर दिया। जाहिर है कि जब उसकी शादी टूटी तो मुझे खुशी हुई, लेकिन तुम जो ये इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो कि मैंने उसकी शादी टूटवाई, सरासर बेबुनियाद है, बकवास ही है। ओह नो, अगर मैंने ज्यादा कुछ कहा तो ताई की शादी टूट सकती है। विनोद विनोद विनोद, हाँ ये सच है कि मैं चाहता था कि अर्चना की शादी टूटे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसकी शादी नहीं तोड़वाई। झूठ बोल रहे हो तुम। ऐसा तुम अपनी बहन की शादी बचाने के लिए कर रहे हो। एक बात तो सच है कि अर्चना की शादी तुम्हारे अलावा कोई नहीं तोड़वा सकता। अरे मैंने ऐसा नहीं किया कुछ। मैंने उसकी शादी नहीं तोड़वाई, नहीं तोड़वाई। मुझे तुम्हारी बहन की शादी तोड़ाने की क्या जरूरत है विनोद? उसकी शादी तो ऐसे भी टूटने वाली थी। इतने सारे लड़के आए, उसे रिजेक्ट करके चले गए। क्यों क्यों उसकी शादी नहीं हुई?
विनोद, विनोद अब क्या किया जा सकता है? तुम्हारी बहन की शादी इसलिए टूटी क्योंकि तुम्हारी बहन का कैरेक्टर ही कर चुप। बिल्कुल चुप अजीत, बिल्कुल चुप। अगर मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी कहता हूं अजीत, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं और तुमसे कुछ भी बुलवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम फिर से मेरी बहन की बेइज्जती सबके सामने कर दोगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों मंजू, मैं ठीक कह रहा हूं ना? मंजू ये सब लोग खुश हैं क्योंकि मेरी बहन की शादी टूटी है और शायद तुम भी, तभी तो तुम घर में झूठ बोलकर या खुशियां मनाने आई हो। नहीं विनोद, मंजू मैं जानता था कि इस घर में मेरे घर वालों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं पर मैं आज ये भी जान गया हूँ कि मेरे भी इस घर में कोई जगह नहीं है। मंजू क्यों, ऐसा क्या बिगाड़ा है मेरे घर वालों ने इनका? तुम सच कहती हो कि मैं नहीं समझा, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। मंजू तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अजीत तुम मेरी बहन की शादी तुड़वाकर बहुत खुश हो ना, तो अब सुन लो, मैं आज तुम्हारी बहन को यहां हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। एहसास हो सके कि बहन के घर में बैठे रहने का दुख क्या होता है। रोकी उसे, कोई जरूरत नहीं उसके पीछे जाने की, सबके सामने वो तुझे छोड़कर चला गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा तू उसकी बीवी है, उसके बच्चे की माँ है, और अगर आज तू उसके पीछे भागती है ना तो हमसे सहारे की कोई उम्मीद मत रखना। क्या क्या खाना बना है? भिंडी की भाजी। कुछ अच्छा नहीं बना सकती? कुछ अच्छा बनाने के लिए कुछ अच्छा सामान होना जरूरी है, और अच्छा सामान होने के लिए अच्छे पैसे होने जरूरी है, जो हमारे पास नहीं है। और हमारे बाप दादा जाते समय छोड़ के नहीं गए खजाना, सिवा तुम्हारे जो कुछ काम का नहीं है। तू बहुत बड़ी काम की है। काम तो करती हूँ, ये काम करती हूँ ना घर में, ये काम। हाँ भिंडी की भाजी। हाँ तीना, ये तो होटल में जाना पड़ता था आपको। होटल में कौन जाएगा अगर बीवी है यहाँ तो? हेलो, आराम से मिल रहा है वो भिंडी की भाजी बुलबुली। पकौड़े बहुत अच्छे। पकौड़े दादा, भिंडी। एक पागल, ये पकौड़े कहाँ है? ये तो भिंडी की सब्जी है। नहीं आई मैम, मैं कुछ और सोच रही हूँ। बाबा मेरा खाना तो हो गया, और दादा ये पकौड़े नहीं है, भिंडी है। मानो आज गणपत की टपरी पे गया था तू पकौड़े खाने, तो फिर किसके हाथ के बने पकौड़े तुझे याद आ रहे हैं? क्या बाबा? देख मुझसे झूठ मत बोल,
आज पहली बार तू बात करते करते लड़खड़ा रहा है। तू हम दोनों के झगड़े में भी आज नहीं आया, कहाँ खो गया तू? नहीं बाबा, मैं तो मुझसे मत छुपा। हमारे नाटक के हीरो को मैंने ऐसी हालत में बहुत बार देखा है। दो ही सिचुएशन में उनकी ऐसी हालत हो जाती है, या तो बाप ने डांटा हो या फिर प्यार का मामला हो। पर मैंने तो तुझे डांटा नहीं। कुछ पैर व्यार का चक्कर है क्या? नहीं बाबा, आपके नाटक में होता होगा ये सब, असल जिंदगी में नहीं होता। नाटक वाले के सामने नाटक मत करो। अच्छा है, अगर इसे अच्छी लड़की मिल जाए ना तो इसकी जिंदगी सवर जाएगी। अपने अर्चू को कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो उसकी जिंदगी सवर जाएगी। हाँ अच्छा, बस बस बाबा को दे। बाबा सब्जी लो। हाँ बेटा। अच्छा लड़का ढूंढने में वक्त लगेगा, घर बैठे थोड़े ही मिलेगा। उस एक पल ने आपकी सारी उम्मीद तोड़ दी, लेकिन बाबा अगर आज आपको कुछ हो जाता तो फिर आपके परिवार का क्या होता? आपके जाने के बाद शायद आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन आपके परिवार की तकलीफ वो कितनी बढ़ जाती बाबा। नहीं बाबा, आप लोग तकलीफ मत लीजिए। मैं तो बस ये आपका पर्स लौटाने आया था। काकी आप क्या कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं। मैंने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया। दो दिन से भूखा हूं बेटा, कुछ दे दो भगवान के लिए, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अंधेरी लोखंडवाला की पॉश एरिया में रहने वाली अमीर लड़की, और कहां मैं डोंबिवली के छोटी सी रेलवे कॉलोनी में रहने वाले गरीब सा लड़का, ऊपर से जॉइंट फैमिली, तो हमारी शादी होगी कैसे? विनोद इधर आके बैठ। पहले ये खाओ। हे बाबा, मैं एडजस्ट कर लूंगी ना तुम्हारे खाते। मंजू जिस लाइफस्टाइल में तुम पली बड़ी हो ना, उसका अफोर्ड करना तो बहुत मुश्किल है। तुम्हारी आई भी तो चाहेगी ना किसी अमीर लड़के से। उसके जाने से क्या होता है? शादी आई को नहीं करनी, शादी मुझे करनी है, वो भी तुम्हारे साथ करनी है। विनोद, अगर आपस में प्यार हो और एक दूसरे पर विश्वास हो ना, तो सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारी लाइफ स्टाइल के साथ से अपने आप को एडजस्ट कर लूंगी। और देखना, कुछ दिनों बाद आई भी तुम्हें। लेकिन मंजू फिर भी। लेकिन क्या, अगर आई नहीं मानी ना तो तुम मुझे भगा कर ले जाना। क्या बात कर रही हो तुम? अरे क्या क्या बात कर रही हो? और अगर तुम मुझे भगा कर नहीं लेके ना, तो मैं अपना सारा सामान लाकर तुम्हारे घर के सामने खड़ी हो जाऊंगी, फिर देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे छोड़ते हो। मंजू, क्यों किया तुमने ऐसा? अजीत की इतनी गिरी हुई हरकत में
तुमने उसका साथ दिया मेरी खातिर, मेरे प्यार की खातिर सब कुछ एडजस्ट करने के लिए तैयार थी ना तुम, फिर एक परिवार को भी अपना सके। मेरे घर वालों से इतनी नफरत और उस नफरत का ये अंजाम, ये तो विश्वासघात हुआ ना। बस करे रोना धोना, अरे रोया तो उसके लिए जाता है जिसे तुम्हारी आंसुओं की कदर हो। बड़ी बड़ी बातें करती थी ना तू, विनोद तुझसे बहुत प्यार करता है, तुम दोनों एक दूसरे के सिवा रह नहीं सकते, और इसी के लिए मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमने शादी की थी। तो अब क्या हुआ, कहाँ गया तुम्हारा प्यार? विनोद अगर तुझसे सच्चा प्यार करता है तो तुझे छोड़ने की बात कभी नहीं बोलता। एक बार, कम से कम एक बार तेरे बारे में, अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं। हम तो पराए हैं, उससे अच्छे बर्ताव की उम्मीद नहीं रखते हैं। लेकिन तू, तू तो उसकी बीवी है, तो तेरा आत्मसम्मान, तेरी इज्जत, इसका कोई ख्याल नहीं उसे? बड़ा विश्वास था ना तुझे, वो तुझे बहुत खुशी देगा। देख, देख कितनी खुशी दी है उसने तुझे। बहुत हो गया, बहुत हो गया। जब तक विनोद तुझसे माफी मांग के तुझे वापिस लेने यहाँ नहीं आता, तब तक तू उस घर में नहीं जाएगी। आई? अरे, तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? है आई, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, लेकिन आई मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि विनोद से मेरी शादी टूट जाए। आई, उसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं, उसकी कद्र करती हूँ मैं। आई, मुझे वो घर भले ही पसंद नहीं है, लेकिन मैं विनोद के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। मंजू, मैं विनोद के खिलाफ कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन तू एक बात समझ ले, तेरा पति कभी भी तुझे छोड़कर अपने घर वालों का बनकर रह सकता है, उसके लिए तेरी कोई अहमियत नहीं है। तू अगर चाहती है वो तेरा बनकर रहे, तो विनोद को अपने घर वालों से तुझे तोड़ना होगा। इसी विनोद के घर वालों के लिए तुमने अपने भाई को चांटा मारा था, देख क्या सिला मिला तुझे। तू कुछ भी कर ले मंजू, वो घर तेरा कभी न था न कभी बनेगा। तेरी सास और तेरी वो ननद अर्चना वो होने नहीं देंगी। जब तक वो है, तेरे साथ हमेशा सौतेलेपन का ही बर्ताव होगा। तू तो इस घर की बेटी है और बस हम ही तेरे अपने हैं। मैं तेरा बार बार झुकना नहीं देख सकती। आई हूँ मैं तेरी, और मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं जो कुछ करूंगी तेरी भलाई के लिए ही करूंगी। मेरी एक बात सुन, निकाल दे उस परिवार का ख्याल अपने दिल से और अपने बारे में सोच, सिर्फ अपने बारे में। इसी विनोद के घर वालों के लिए तुमने अपने भाई को चांटा मारा था, देख क्या सिला मिला तुझे। तू कुछ भी कर ले मंजू, वो घर तेरा कभी न था न कभी बनेगा। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां